बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम चपली कबाब बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लिए हैं आधा किलो कीमा, देखें बारीक कीमा। इसमें आधा पाव चर्बी है और 1.5 पाव गोश्त है, मिलाकर आधा किलो। और दो टमाटर, दो प्याज बड़े साइज़ का, इसमें बारीक बारीक कट कर लिए हैं। और 5 हरी मिर्चें, इसे भी कट कर लिए हैं। और आधी गड्डी पुदीना, आधी गड्डी हरी धनिया, इसे भी इस तरह से काट लिए हैं। और 2 चम्मच अनारदाना और थोड़ा सा नली का गुदा चपली कबाब में लगाने के लिए। और 1 अंडा और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 चम्मच बेसन और 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ और 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच नमक। अब एक बाउल लेंगे, उसमें कीमा डालेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और ये नमक सारा मसाला बेसन सब डालेंगे इसमें। और अनारदाना डालेंगे और ये प्याज टमाटर और पुदीना धनिया सब जो काट कर रखे थे वो डालेंगे। और 1 अंडा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे ताकि ये सब एक जान हो जाए। ये बहुत मज़े का बनता है चपली कबाब, आप भी बनाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब चूल्हे पे तवा रख के इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और उसे गर्म होने देंगे। इतने देर में हम कबाब बना लेते हैं। इस तरह से हाथ पे गोल गोल फैला के बना लें और इस पर बीच में नली का गुदा डाल के इसे हल्की आंच में फ्राई करेंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर इसे पलट देंगे। ये कच्चे कीमे का है इसलिए हल्की आंच में फ्राई करना है ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। देखिए एक साइड से हो गया है, अब इसे पलट लेंगे आराम से ताकि टूटे ना। ये देखिए ये फ्राई हो चुका है, अब इसे डिश आउट करेंगे। ये बनाना बहुत आसान है, आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, सब खाकर बहुत तारीफ़ करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। देखें कितने मज़े का लग रहा है चपली कबाब। अल्लाह हाफिज़।